हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसके दो पार्ट डाल दिए हैं मैंने, पहला और दूसरा, दो आंसर डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके आप देख लो, अगर आपने नहीं देखे दो आंसर डाल चुका हूँ। तो अभी मैं डालने वाला हूँ इसी कोड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के दो पार्ट मैं बताने वाला हूँ, दो पार्ट कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ए पार्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है एक्ज्यूमिंग द मार्केट ऑफ मूवी टिकट इज इक्विबिलियम, तो यहाँ पर इनकी कॉस्ट अगर वो बढ़ा दें या कॉस्ट घटा दें तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो बताना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप लिखोगे द मार्केट ऑफ मूवी टिकट इज़ इन इक्विबिलियम, यहाँ से आप लिखोगे। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ लिखने के बाद आपको रुकना है, फिर उसके बाद आप लिखोगे द इम्पैक्ट ऑन द इट्स माइट, यहाँ से आप लिखोगे इट्स माइट इवेंट ऑन द इफेक्ट ऑन डिमांड लाइक टू इनकम एंड पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब कि लोगों की पॉपुलेशन उसकी संख्या पे निर्भर करती है। तो यहाँ से नीचे तक आपको पूरा लिखना है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे फिर आपको उसके बाद ये लाइन को स्किप करना है, ये लाइन को नहीं लिखना है, ठीक है, और ना इस लाइन को लिखना है। इसके फोर प्रोसेस हैं, तो पहला स्टेप ये रहा, फिर नीचे आपको सीधा स्टेप लिखना है प्रोडक्शन के बाद। तो ये सारे नीचे हैं और इसके दो आंसर यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, जाके उनको भी चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं करे तो। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसी तरह से हम आपकी हेल्प करवा सकें। यहाँ तक आपको लेना है, इसके फोर पार्ट यहाँ पे ख़त्म और आपका आंसर का जो ए पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बी पार्ट की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से आपको फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट लिखना स्टार्ट करना है। हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालने के बाद आपको कंसिडर्ड, यहाँ से आपको लिखना है कंसिडर, से कंसिडर है मोनोपोली फर्म, यहाँ से आप लिखोगे। और ये ख़त्म कहाँ पे करोगे, आप इधर तक लिखोगे पूरा, फिर आपको रुकना है इस जगह। फिर उसके नीचे आपको यहाँ से लिखना है टोटल रिवेन्यू ए कम्प्लीटरी फर्म, यहाँ तक आप लिखोगे पूरा। और ये आपको दो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, दोनों डायग्राम आपको बनाने, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, जल्दी से जल्दी 10K करवाओ यार प्लीज़। तो ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ तक डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको फिर आपको यहाँ से ये डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से लेकर, सॉरी ये कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे आपको, फिर आपको यहाँ से लिखना है, वो वाला मत लिखना जो अभी काटा मैंने, और यहाँ से लिखोगे यहाँ तक, और ये आपका आंसर का बी पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आंसर जल्दी अपलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना तभी। थैंक।